हे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है नॉलेज इन हिंदी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि सर्वनाम क्या होता है, आप इसे अच्छे से कैसे समझ सकते हैं और इसकी डेफिनेशन मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि आप लिख सकते हैं, ये एग्जाम में भी आता है। तो क्या है इसकी डेफिनेशन और उसको कैसे आप समझ सकते हैं, आइए जानते हैं। यहाँ पे मैंने लिख के बताया है आपको। सबसे पहले आपको समझा देता हूँ मैं, सर्वनाम किसे कहते हैं। जिन शब्दों का इस्तेमाल संज्ञा के शब्द यानी जो संज्ञा शब्द होते हैं उसके स्थान पर कर लिया जाता है, यानी संज्ञा शब्द को मतलब हटा के उसके स्थान पर उसको इस्तेमाल किया जाता है, उसे सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर यूज होने वाले शब्द को ही सर्वनाम कहा जाता है, जैसे कि मैं, हम, तुम, तू, वह, यह आदि। जो ये शब्द हैं ये सर्वनाम कहलाते हैं, जिसे कि हम इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं, जैसे कि ही, शी, दे, इट, जो जो ये होते हैं ये प्रोनाउन कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में सर्वनाम कहलाते हैं। तो इसकी जो परिभाषा यह है तो आप इसे पढ़ सकते हैं। सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्वापर संबंध में किसी भी संज्ञा के बदले में आता है, जैसे कि मैं यानी बोलने वाला, तू यानी सुनने वाला, यह यानी निकटवर्ती वस्तु जो पास में रखी हुई है तो उसे हम यह कहेंगे, वह जो दूर रखी हुई है वस्तु उसे हम वह कहेंगे, इत्यादि जो शब्द होते हैं जो संज्ञा की जगह पे इस्तेमाल किए जाते हैं उसे हम सर्वनाम कह सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक उदाहरण देके समझाने वाला हूँ। तो जैसे कि हम पांच दोस्त हैं, राजू, राम, श्याम, मोहन और सूरज। अगर हम इसे ऐसे कहते हैं कि यहाँ पे नाम लेके सबका कहते हैं तो यहाँ पे जो ये नाम हो जाएंगे वो संज्ञा हो जाएंगे। पर इसकी जगह हम यहाँ पे यूज करते हैं कि हम आज घूमने गए। तो ये जो यहाँ पे वर्ड है हम, तो इसे हम सर्वनाम कहेंगे क्योंकि इसमें हम सब आ रहे हैं यानी पांचों लोग आ रहे हैं, यहाँ पे सब लोगों को यानी सबका नाम सर्वनाम कहलाया जाता है। तो ऐसा भी समझ सकते हैं अच्छे से। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।